اللہ سب کی مرادیں پوری فرما یا اللہ سب کی فرما یا اللہ ہماری عزت والوں سے تو حفاظت فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو حیات کی دولت عطا साई मीरा साहब की मूर्ति पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज यहाँ पर दूर दूर से जायरीन आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आज दुआ की और मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं इसके लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और यहाँ पर जितने भी जायरीन आए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। उसके साथ साथ जो यहाँ की कमेटी है, जो यहाँ का ट्रस्ट है साई मीरा साहब का, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट किया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जायरीन दूर दूर के इलाकों से आते हैं, लेकिन सबको वेल टेक उन्होंने जो है वेल टेक केयर किया यहाँ पर। और इसमें मैं एंड में फिर से एक बार सभी पुंछवासियों को साई मीरा साहब के स्कूल पर बहुत बहुत थैंक यू। मैं अपनी तरफ से तमाम पुंछवासियों को साई मीरा जो उर्स है उसके उपलक्ष्य में उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये हर साल जिस तरह से इसको मनाते हैं हर साल इसी तरह से मनाएं। खुशी खुशी लोग आते हैं, अपनी दुआएं यहाँ करते हैं और फिर उनकी दुआएं जो है पूरी होती हैं। इस जगह की बड़ी मान्यता है, वो मान्यता जो है वो लोगों की पूरी हो और जो यहाँ की मैनेजमेंट है, जो ट्रस्ट है जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, वो मुबारकबाद के हकदार हैं। और जितने भी लोग इस उसको सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए थे वो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से जो एक ये जो हमने इसमें पुर्स के सिलसिले में जो अपना डिप्लॉयमेंट किया था वो भी ठीक रहा। तो मैं कुल मिलाकर के मुबारकबाद देता हूँ इस जो सुनील साहब वो आज यहाँ पे जोश के साथ लोगों की बारी शुरू के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है, जिसमें रियासत के बाहर आए हुए जायरीन जो है अपने लिए दुआएँ कर रहे हैं। और आज के दिन मैं अपनी तरफ से अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस रियासत में और इस मुल्क में अमन चैन रहे और जो एक नफरत की दीवार इस मुल्क में जो चढ़ाई जा रही है वो दीवार जल्द से जल्द जो है टूटे और वो नाकामयाब हो, जो ये नफरत की दीवार करते हैं। मैं यहाँ की कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम उन्होंने यहाँ पर किया है और जिस तरीके से जायरीन यहाँ इतनी बारिश के बावजूद यहाँ पे आए, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ जो दूर दराज से आए। और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि हमें खुश रखें और अमन चैन से इस इलाके में रखें और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर भी अमन चैन रहे और दोनों मुल्क